तो आजकल ये दसाई थल से जो गंगोली हाट को रोड है ना, इसमें काम हो रखा है। जो सुअर ने कल कारनामे कर रखे हैं वो दिखाने जा रही थी स्नेहा। तो अभी मैं एक कमरा देखने आया था मार्केट साइड, ये तो कुछ ऐसा है यहाँ, ठीक ही लग रहा है। अभी इसका किराए का पता नहीं है। तो आज एक नया रास्ता मिल गया है मुझे, थोड़ा सा शॉर्ट है। हाँ आ रहा हूँ। कल ना मैंने थोड़ी सी मेहनत करके सब्जियों में पानी वानी क्या डाला, सारी सब्जियां रात में ही चौपट हो गई हैं और आधे से ज़्यादा तो हो ही गई है। वो कैसे हुई है वो मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ी देर में बैठ के बात करते हैं। तो शुरू कर लेते हैं आज का व्लॉग। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा माई के एक नए दिन नए व्लॉग में। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी एकदम बढ़िया। सब्जियां चौपट हुई है सुअर के कारण, मेरे पानी डालने के कारण नहीं। तो सुअर रात में आके ही पूरा हल जोत के गया है। पता नहीं सुअर की सूंड होती है क्या, तो सूंड से ना वो पूरा खोद के गया है। मिर्ची के पौधे पता नहीं उसे क्या मिला, उसको मम्मी बोल रही थी ना वो कीड़े ढूंढता है, तो कीड़े ढूंढने के चक्कर में उसने हमारी सब्जियों का चौपट कर दिया। मैंने सुबह सुबह पापा को कॉल करके बता भी दिया, पापा बेचारे बहुत परेशान हो गए क्योंकि पापा की बहुत मेहनत लगी थी उन सब्जियों में। अभी ना दोपहर के, सुबह के 10 बज गए, दोपहर के 10 नहीं, तो सभी नहा धो के एकदम चकाचक रेडी हो गए हैं। रेडी मतलब कि जिसने इधर उधर को जाना है वो चले गए हैं और जिसने जो करना है मैंने भी नहा लिया। और आज ना मंदिर में नैनाक भी है, काशन देवता के मंदिर में, तो नैनाक देख दिया है भाभी ने डालने के लिए। नैनाक पता है क्या होता है, जो नई फसल उगती है ना, मतलब कि जिस सीजन की जो भी नई फसल उगती है वो देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, तो उसको बोलते हैं नैनाक। जैसे कि इसमें गेहूं वगैरह हुए होंगे तो नए गेहूं को पीस के उनको मंदिर में प्रसाद के रूप में मनाया जाता है, फिर चढ़ाया जाता है, तो उसको बोलते हैं नैनाक। मैं ऐसे शूट क्यों कर रही हूँ पता है, मैं बैक कैमरे से कुछ दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। कीड़े बेचारे कुछ कर रहे थे और दिख भी नहीं रहे हो यार, इतना क्या धुंधला आ रहा है पता नहीं। और ये ऊपर से क्या फेंक रहे हैं पता है, खा रहे हैं ऊपर से मेरे सर में फेंक रहे हैं। शर्म नहीं आ रही आपको ना? क्यों बेच खाए हो क्या शर्म? इतना सुंदर लग रहा है ना अखरोट का पेड़ ये। मम्मी और गुन्नू ना आगे आंगन में बात कर रहे हैं, देख लेते हैं उनका क्या हो रहा है। ये देखो गुन्नू हमारा कहाँ जा रहा है भाई, गुन्नू रुक जाओ। ये देखो हाय गुन्नू, हाय कर्ली हेयर गर्ल, हेलो हेलो, हाउ आर यू? हाउ आर यू बोलो। आई एम फाइन। हाउ आर यू बुआ? लव यू बुआ। आई लव यू टू गुन्नू। व्हाट आर यू डूइंग? Where are you going? Fine. Hey, Miss Curly Hair. तो मम्मी का काम हो रहा है यहाँ आंगन की सफाई का। बेचारा हमारा कट्टा ना, कट्टा मतलब कि भैंसा, भैंस का बच्चा है ना, ये इसकी ये हालत हो गई है। ये ना खाता नहीं है बिल्कुल भी और मस्त सो रखा। मस्त क्या सो रखा मतलब, इस मरा है? हाँ। मर गया ये? हाँ। कैसे मरा यार गुन्नू ये? ये सांस तो ले रहा है फिर ये? मैंने इनको बोला कि मर गया, वो सच मानते हैं कि मर गया है, सांस ले रहा है। देखो ये ब्रीदिंग कर रहा है, ब्रीदिंग। ये इसको ना धूप अच्छी लग रही है तभी सोया है वो, तभी सोया है वो। तीन चार दिन से कमरों को लेके काफ़ी परेशान चल रहा था। जब से YouTube पे वीडियो डालना स्टार्ट किया है काफ़ी सारे फॉलोअप मिल रहे हैं। मतलब आज भी मैं जा रहा हूँ, काफ़ी लोगों ने बोला है कि हमारा है, किसी ने बोला है, मतलब बताया है कि यहाँ पे खाली है YouTube के ज़रिए ही, तो कमेंट्स आए थे लोगों के, तो इसी वजह से आज जा रहा हूँ। आज मुझे लग रहा है क्या पता रूम मिल सकता है, क्योंकि लगभग 4-5 लोगों से आज बात हुई है इस बारे में कमरे की रिगार्डिंग, तो देखते हैं अभी जाके आता हूँ। रोज़ ये कमरा वमरा ये मार्केट जा रहा हूँ जो वो सब नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैंने कहा एक अपडेट दे देता हूँ। स्नेहा जा रही थी अभी वहाँ नीचे खेतों में वो दिखाने ना, जो सुअर ने कल कारनामे कर रखे हैं वो दिखाने जा रही थी स्नेहा, लेकिन मेरे को जाना था मार्केट और उसके वाले फ़ोन से ना थोड़ा सा मतलब दिक्कत करता है क्लिप, और एडिटिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है उसके जो क्लिप होते हैं उसके फ़ोन के, इस वजह से वो अभी कुछ शूट नहीं करेगी, वो सब आपको बाद में दिखाएगी। फ़िलहाल ये वाला काम ज़रूरी था
तो अभी जा रहा हूँ, बाद में फिर ना धूप हो जाती है। धूप तो अभी से हो ही गई है, लेकिन क्या करें, करके आते हैं, देख के आते हैं मतलब। तो अभी मैं एक कमरा देखने आया था मार्केट साइड, ये तो कुछ ऐसा है यहाँ, ठीक ही लग रहा है। अभी इसका किराए का पता नहीं है, बाकी ठीक लग रहा है। इसमें 3 रूम है, यहाँ पे पता नहीं क्या दिक्कत है, इसमें कुछ होना तो चाहिए था। फ्रंट वाला रूम सही लगा मेरे को, और ये वाला थोड़ा सा अंधेरे वाला है, इधर भी अंधेरे वाला है। तो आजकल ये दसाई थल से जो गंगोली हाट को रोड है ना, इसमें काम हो रखा है, मतलब नया डामर हुआ है इसमें, तो रोड इतनी मस्त हो गई है मतलब। अब हालांकि अभी काम चल ही रहा है इसमें, इसमें अभी लगेंगे 2-3 दिन पूरा मार्केट तक हो जाने में। इससे पहले दसाई थल से आगे को रायागर तक शायद हुआ था ये काम, इस बार इधर को भी हो गया है, तो काफ़ी अच्छी रोड हो गई है अब। और फिलहाल मैं निकल गया हूँ अभी वापस घर को, मार्केट वार्केट का सारा काम निपटा लिया। 2-3 जगह बात हो गई है आज रूम के लिए, तो 1-2 जगह तो मुझे पसंद भी आया है, लेकिन एक जगह अभी किराए का पता नहीं है, खाली रूम देख के आया हूँ। दूसरी जगह मतलब एवरेज लगा मुझे, देखते हैं। ये देखो यहाँ पे एक चिड़िया ने ना कब से अपना घोंसला लगाया हुआ, अंदर घुस गई यार, इसी के अंदर रहती है ये चिड़िया। निकल निकल बाहर। तो दरवाजे के बिल्कुल यहाँ पे ना इसने अपना घोंसला लगा रखा है, और ये कई सालों से। एक बार फिर से जा रही हूँ मैं खेतों की तरफ, यानी कि सब्जी वाले खेतों की तरफ, क्योंकि मैंने सुबह आपको बोला था ना कि ये सुअर ने कर तहस नहस मचाई है, तो वो दिखाऊंगी मैं आपको। हालांकि भाभी ने थोड़ा बहुत फिक्स कर दिया है उन चीज़ों को, क्योंकि माई चले गए थे मार्केट, और भाभी ने इसलिए फिक्स किया ना क्योंकि जो पेड़ पौधे थे मतलब वो दोबारा लग जाएं, तो इस वजह से। जैसे ये मिर्ची का पौधा है ना, ये यहाँ पे अच्छे से लगा हुआ है, तो इस पे सुअर ने खोदा नहीं है, और इन पेड़ों पे देखिए, तो इनको भाभी ने दोबारा लगाया है ना, इसलिए अभी पानी की ज़रूरत दोबारा है इनको। ये तो बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर सुअर ने खोद दिया था, यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा करा था। ये मूली के आप देख भी पा रहे होंगे, मूली की जड़ जो है ना ऊपर ही लटकी हुई है, यहाँ पे शायद भाभी ने किया नहीं होगा, क्योंकि ये मूली की जड़ लगाने का फ़ायदा भी नहीं है दोबारा, तो इतना बहुत ज़्यादा खोद दिया था। और सुअर के पंजे भी दिखाती हूँ मैं आपको, खोज ये है सुअर की खोज, ये बहुत सारे खोज हैं, ये देखिए ये नहीं आया, तो इनको भी खोदा था सुअर ने, जहाँ जहाँ खोदा है ना वहाँ पे मिट्टी कुरेदी हुई लगेगी आपको, क्योंकि वहाँ पे भाभी ने दोबारा सब पौधे लगाए हैं। यहाँ ना पूरा ही खोद दिया शायद, ये यहाँ पे पूरा भाभी ने दोबारा लगाए, सारे पौधे दोबारा लगाएंगे। मूली की जड़ से फेंके ना जैसे, वैसे ही सारे पौधे ये भी फेंके हुए थे, तो इनको भाभी ने सब दोबारा लगाया है, ये इसलिए जीवित हैं। बाकी ये जैसे मूली की जड़ है, अदरवाइज ऐसे हो जाते सूख धूप में ना सूख के, तो इस वजह से। और ये देखो माई मेरी हेल्प के लिए मैंने बुलाया, मैंने कहा थोड़ा सा पाइप मैनेज कर दोगे, और पानी शायद अभी भी नहीं आया इनसे, ये अब पंप करेगा पानी, करने दो उसको पंप, बिना पंप करे आएगा ही नहीं, आ छोड़ दो ना खुद करेगा, यहाँ पे गड्ढा मत करो उधर को करो, फिर भी नहीं आया ये, पंप नहीं किया मतलब पानी नहीं आया। बढ़ रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्नेहा यहाँ से कुछ क्रस्तानी करती है पानी को थोड़ा सा फोर्स मिलाने के लिए। हाँ आ गया, काफ़ी है इतना। जब भी यहाँ को मार्केट या कहीं से भी आते हैं ना, तो 3 रास्ते हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से। मोस्टली मैं आता हूँ इस रास्ते से जो इसके पीछे से है, पेड़ों के पीछे से, और एक यहाँ से मेन रास्ता मोस्टली जहाँ से सब लोग जाते हैं, और एक रास्ता है ये वाला, और इस वाले रास्ते से मैं आज तक नहीं गया हूँ। जिस खेत में अभी हूँ मैं, इस खेत से नीचे को नहीं गया हूँ, और ना ही इस रास्ते से कभी आया हूँ। देखते हैं
कैसा है यहाँ से रास्ता? तो यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, पतला सा रास्ता है और नीचे को यहाँ पे, वैसे यहाँ से ज़्यादा नज़दीक है यार, यहाँ से भी आ सकता हूँ मैं कभी। ये देखिए यहाँ से बढ़िया है। मैं कहाँ से आता हूँ, यहाँ से सीढ़ियाँ है नीचे को, और नीचे पे ऐसे एक रास्ता है, वहाँ से पीछे से ये जो बांस का जंगल है इसके पीछे से यहाँ पे आने के लिए, और मैं इसी रास्ते से आता हूँ ज़्यादातर, लेकिन यहाँ से बहुत शॉर्ट है। नीचे से यहाँ से आओ सीढ़ियों से और पतला सा रास्ता, ये ऊपर पे यहाँ पे है घर, और चारों तरफ ना बांस के पेड़ हैं, इधर ज़्यादातर पेड़ बांस के हैं, और जहाँ पर भी ये बांस के पेड़ होते हैं ना वहाँ पे ठंड थोड़ी सी ज़्यादा होती है और पानी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बांस के जो जड़ होती है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा पानी होता है बोलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बांस के पेड़ हैं इधर, ऑलमोस्ट घर के चारों किनारे बांस के पेड़ हैं, इधर 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 सब, और फिर जब ऊपर को बांस के पेड़ ख़त्म हो जा रहे हैं उसके बाद फिर हल्के हल्के चीड़ के पेड़ स्टार्ट हो जाते हैं ऊपर को, और यहाँ को भी वही सीन है, बांस के पेड़ ख़त्म होने के बाद धीरे धीरे उधर को चीड़ के पेड़ हैं फिर। तो आज एक नया रास्ता मिल गया है मुझे, थोड़ा सा शॉर्ट है। हाँ आ रहा हूँ। ये देखो ककड़ी की बेल भी लगी हुई है, दो ककड़ी की बेल है यहाँ पे, जो कि अभी काफ़ी छोटे हैं, धीरे धीरे ये पूरा पेड़ भीमल का पेड़ है, ये भीमल ही है ना, हाँ भीमल का पेड़ है, धीरे धीरे इस पर पूरी बेल हो जाएगी और ककड़ियाँ लगने स्टार्ट हो जाएंगी फिर।